ग्वादर में रात गए एक शख्स कत्ल, कातिल को पुलिस ने धर लिया। एसएसपी ग्वादर का तबादला, एसपी केच एसएसपी ग्वादर तैनात। एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान की बलूचिस्तान असेंबली में पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर, हमारे साथ तआवुन किया है। बैंक पब्लिक स्कूल ग्वादर, अ स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप्स। कॉन्टेक्ट 0333-4393-61। ग्वादर गोल्फ सिटी, अ प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। तो आप भी आज ही एमसीबी इस्लामिक बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं और पाएं बरकत और सहूलत एक साथ। ये वक्त की जरूरत भी है और हमारी जिम्मेदारी। एमसीबी इस्लामिक बैंक, बाबरकत बैंकारी हमारी जिम्मेदारी। न्यू मेट्रो सिटी, प्रोजेक्ट ऑफ बीएसएम डेवलपर्स। अस्सलाम वालेकुम, मकुरान के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क दी ग्वादर पोस्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ अफरोज मुगल। दिन भर का अहवाल जानने के लिए एक नज़र आज की हाइलाइट्स पर। एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान की बलूचिस्तान असेंबली में पेश करदा करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। एमपी ग्वादर की जानिब से पेश करदा करारदाद में ग्वादर समेत मकुरान में बिला तातुल बिजली फराहम करने, बिजली के वाजिबात माफ करने, ईरान से मकुरान को मिलने वाली बिजली ईरानी कीमत पर फराहम करने, गैस की बंदिश खत्म करने का मुतालबा भी शामिल था। आईपीपीस के बिल अदा नहीं करेंगे हुकूमती व अपोजिशन अराकीन। असेंबली इजलास की सदारत करने वाले चेयरमैन फैजान बलोच की रूलिंग, वजीरे आला बलूचिस्तान कमेटी बनाकर वजीरे आजम पाकिस्तान के साथ गैस और बिजली के मसले पर बात करेंगे। पुलिस मकुरान रेंज में तबादले व तकरारियां, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकुरान रेंज डॉक्टर फरहान जाहिद का तबादला कर दिया गया। उनकी जगह परवेज खान उमरानी को डीआईजी मकुरान रेंज तैनात कर दिया गया। परवेज खान उमरानी इससे कबल आईजी जेल खाना जात बलूचिस्तान के ओहदे पर बाइस थे। दूसरी जानिब डॉक्टर फरहान जाहिद को बैनुल अक्वामी तआवुन और खुसूसी इकदामात के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीपीओ बलूचिस्तान तैनात कर दिया गया। एसएसपी ग्वादर का तबादला, एसपी केच एसएसपी ग्वादर तैनात। मरकजी पुलिस दफ्तर क्वेटा से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक एसपी केच जियाउल हक मंदूखेल का ग्वादर में तबादला करके उन्हें एसएसपी ग्वादर तैनात कर दिया गया। सीनियर सुप्रिंटेंडेंट पुलिस ग्वादर नजीबुल्ला पंद्रानी का तबादला करके उन्हें असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी क्वेटा पुलिस हेडक्वार्टर में तैनात कर दिया गया। जबकि एसपी अल्लाबख्श बलोच का तबादला करके उन्हें जोनल कमांडेंट बीसी ग्वादर तैनात कर दिया गया। ग्वादर में रात गए एक शख्स कत्ल, कातिल को पुलिस ने धर लिया। ग्वादर पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात ग्वादर शहर में एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शिनाख्त दश्त मकसर के रिहायशी पीरबख्श उर्फ पीरो वल्द अली मोहम्मद के नाम से की गई, जो कि नशई है। पुलिस के मुताबिक कातिल ने मकतूल के सर पर पत्थर से वार करके कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक कातिल की शिनाख्त मालीपुर कराची के रिहायशी अल्लाबख्श शौकत से की गई, जो कि नशई है और उनका जहनी तवाजुन खराब बताया जाता है। पुलिस ने कातिल को हिरासत में लेकर डॉक्टर से मुआयना भी करा दिया। चेयरमैन ग्वादर पोर्ट पसंद खान गुलेदी की हिदायत पर जीपीए सोशल सेक्टर टीम ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुलांची पाड़े की तालिबात के वफ्द को ग्वादर पोर्ट का मुतालियाती दौरा कराया। दौरे के दौरान जीपीए के फिनांस ऑफिसर अब्दुल मालिक वाडो ने ग्वादर पोर्ट और सीबीसी के मुख्तलिफ शोबों का दौरा कराया और उन्हें आगाही फराहम की। दौरे के मौके पर तालिबात ने ग्वादर पोर्ट, सीपैक और दीगर शोबों से मुतलिक मालूमात के लिए सवालात किए और पोर्ट ऑफिसर ने उनके जवाबात दिए। एमपी ग्वादर मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की हिदायत पर हकदो तहरीक के जिला वाइस चेयरमैन अल्लाबख्श का गौर गिजानी कप्पर नलेंड का दौरा। दौरे के दौरान उन्होंने जमींदारों के बंदात के मरम्मती काम का जायजा लिया। जमींदारों के बंदात तूफानी बारिशों के बाईस सैलाबी रेले में बह गए थे। जीवनी पुलिस थाने के एएसआई को दिल का दौरा पड़ने से एएसआई जीवनी पुलिस मसूद खालिद साकिन वार्ड नंबर 3 पसनी जानबर ना हो सका। पुलिस एहलकार ने मसूद खालिद की लाश को
तिबी मुआयने के लिए आरएससी जीवनी मुंतकिल कर दिया। जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को जीवनी से आबा इलाके पसनी मुंतकिल कर दिया गया। और ग्वादर क्रिकेट टीम ईरान सरावान में इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए गुज़िश्ता रोज ग्वादर क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से सेनेटर इसहाक क्रिकेट स्टेडियम में ग्वादर की मुख्तलिफ टीमों से खिलाड़ियों का इंतखाब करके 15 रुकनी स्क्वाड तैयार कर लिया। सरावान ईरान क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए ग्वादर क्रिकेट टीम 20 अक्टूबर को ग्वादर से ईरान के लिए बरास्ता 250 बॉर्डर रवाना होगा, जहां बैनुल अक्वामी टूर्नामेंट में हिस्सा लेगा। ग्वादर क्रिकेट टीम ईरान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के साथ 4 लीग मैच खेलेगी। ग्वादर के अलावा बलूचिस्तान से क्वेटा शहर की टीम भी हिस्सा ले रही है। नाज़रीन, ये थी जिला भर की आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ग्वादर पोस्ट। टीजीपी पर मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर दी ग्वादर पोस्ट को फॉलो करें। अफरोज मुगल और टीजीपी की न्यूज टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।